ये गवाही मेरे हस्बैंड जॉर्ज उनके फ्रेंड और जो एक्स कलीग रहे हैं उनकी है एक्चुअली पहले पास्टर राव ने आके वचन शेयर किया था उनके साथ फिर वो जब प्रभु ने तभी ही उनको टच किया और जब वो घर गए तो उन्होंने बताया कि उनकी एक आंटी है जिनको गैंग्रीन हुआ है और हाई डायबिटिक थी तो उनका एक शायद लेफ़्ट टो तो डॉक्टर ने बोला था कि उसको एम्पिटेट करना पड़ेगा इतना इन्फेक्शन बढ़ गया था तो फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑन द स्टेज आई एम लिटिल नर्वस बट क्या हुआ कि uh, फिर आई थिंक पासा जॉनी ने भी uh, फ़ोन पे प्रार्थना की थी उनको जे जे हॉस्पिटल में एडमिट uh, किया गया था और uh, उसके बाद प्रभु ने हमको भी मौका दिया दो बार जाकर उनको विज़िट करने का एंड uh, क्या हुआ कि उनके जो नर्व्स जो सूख गए थे उनमें फिर से ब्लड फ्लो होने लगा डॉक्टर ने कहा कि अभी फिर से वो वेन्स जो है फिर से ब्लड इज़ कमिंग इन इन द वेन्स एंड एक के बाद एक यू नो प्रभु ने उनको आशा से भरा और जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी सारी चीज़ें यू नो गेटिंग बेटर एंड क्या हुआ कि उसके बाद एक स्पेशलिस्ट ने बोला कि जो विजिट के लिए आते हैं उन्होंने बोला कि अभी आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है आप मेडिसिन uh, से ही ठीक हो सकते हैं सो दैट वॉज़ वन मोर थिंग सो प्रेज़ गॉड एंड सो अगेन आई थिंक सेकेंड टाइम मैन वी विजिटेड दैम सेकेंड टाइम जब हम गए उनको विजिट करने हॉस्पिटल उसके दूसरे ही दिन डॉक्टर uh, ने उनको डिस्चार्ज दे दिया सो ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत थी प्रभु ने उनको चंगाई दे दी हम बिलीव करते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगी यू नो शी इज़ स्टिल अंडर ट्रीटमेंट लेकिन प्रभु उनको पूरी तरह चंगाई करेगा थैंक यू जी